जहानदार शाह, जिनका जन्म 9 मई 1661 को दक्कन में हुआ और इनकी मृत्यु 12 फरवरी 1713 को दिल्ली में हुई। बहादुर शाह प्रथम के 4 पुत्रों में से एक थे जहानदार शाह। बहादुर शाह प्रथम के मरने के बाद उनके चारों पुत्रों जहानदार शाह, अजीमू शाह, रफ्यू शाह, जहान शाह में उत्तराधिकारी के लिए संघर्ष छिड़ गए। इस संघर्ष में जुल्फिकार खां के सहयोग से जहानदार शाह के अतिरिक्त बहादुर शाह प्रथम के अन्य 3 पुत्र आपस में संघर्ष के दौरान मारे गए। 51 वर्ष की आयु में जहानदार शाह 29 मई 1712 को मुगल राज सिंहासन पर बैठे। जुल्फिकार खां इनका प्रधानमंत्री बने और असद खां वकील ए मुतल्लक के पद पर बने रहे। ये दोनों बाप बेटे ईरानी अमीरों के नेता थे। जहानदार शाह सिर्फ 1712 से 1713 के बीच ही शासन किए। इनका पूरा नाम मिर्जा मुइजुद्दीन बेग मोहम्मद खान जहानदार शाह बहादुर था। तो ये था जहानदार शाह के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर इस वीडियो से हेल्प मिली तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। हमारे द्वारा दिए गए लिंक से अपने स्टेशनरी के सामान खरीद सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा।